आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैं आशा करता हूँ इस ईद पे आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ मिले, आप सभी की विशेष पूरी हो। अब आप वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, पहले मैं सिटी में चाय पीता था, फिर मैं यहाँ आया चाय पीने, मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो दोस्तों, दिस इज डी सेम इंडिया। दोस्तों आज है 1 मई और टाइम है सुबह के 5। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज है हमारी संडे राइड, तो देखते हैं क्या धमाल करते हैं हम लोग। तो मिलते हैं आप सीधा बाइक पे। बड़े दिनों बाद इसको निकाला, इसकी आवाज़ सुन के दिल खुश हो गया सुबह सुबह, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, तो इसको हमारी पैनली को चलाने का मौका मिल नहीं रहा था। तो आज मौका मिला है, तो आज इसको हाईवे पे जा ही रहे हैं, तो थोड़ा इसको खींच के भी देखेंगे और इसके बाइक के मज़े भी लेंगे, क्योंकि अब बेचारी थोड़े दिनों की मेहमान है। वैसे भी मैं चेंज करने वाला हूँ बाइक, तो जितना हो सके अब इसको यूज़ करें, क्योंकि फिर अब न्यू बाइक आ जाएगी तो इसको तो बाय बाय करना ही पड़ेगा हमारी फैमिली को। तो मीटअप पॉइंट तो ये है, पर यहाँ पे अभी तक कोई दिख नहीं रहा है। इसका मतलब सबसे पहले मैं ही आया हूँ, तो फटाफट से मैं पहले फ्यूल अप करवा लेता हूँ, फिर आके मीटअप पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं, तो देखते हैं। ये लो हमारे एक राइडर मिल गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सदा भैया, कैसे हैं? हाय कर दो। ये हमारे हिमांशु जी, जिन्होंने अभी ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्रेसिव मशीन ली है, ड्यूक 390। तो दादा मैं एक बार फ्यूल फ्यूल अप करवा के। अच्छा अच्छा आ गए क्या? मैंने सोचा पहले मैं ही आया। मजा आ गया इसको थोड़ा सा खींच के देखने में, क्या प्यारा साउंड आता है। मतलब बैनली की एक खास बात है कि साउंड के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं इस मशीन का। बैनली की कोई भी बाइक ले लो आप, साउंड सारा एक नंबर आता है, एक नंबर। गुड मॉर्निंग, ये हमारे चंद्रवीर जी। तो आपने फिलअप करवा लिया, तो मैं एक बार करवा लेता हूँ। राइडर्स रेडी हैं, अब चलते हैं फट। हमारे आगे वेट कर रहे हैं मुकेश जी। दो राइडर्स ने दे दिया धोखा, पहले बोल रहे हम आ रहे हैं, फिर उन्होंने एंड टाइम पे मना कर दिया, तो काफ़ी 15-20 मिनट उन लोगों के इंतज़ार में लग गया हमको। यार ये गलत, थोड़ी सी गलत बात है यार। हाँ भर के फिर इंतज़ार करवा के मना करते हो, तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। चलो कोई नहीं, सबके पर्सनल इश्यूज रहते ही हैं, कोई नहीं, अपन तो इंजॉय करते हैं। काफ़ी राइडर हैं, तो जो अब हमारा डांगिया पास वाला जो रूट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ और भी बात करेंगे उस जगह के बारे में। ऐसा मजा आ गया इसको यार, सुबह सुबह खींचने का क्या मजा है ना, और क्या साउंड आता है बाइक से। मैंने दो बाइक्स देखी है, एक तो हार्ले डेविडसन 883 और बेनली 600i। हार्ले डेविडसन 2 सिलेंडर है, बेनली 600i 4 सिलेंडर है। अब देखो अगर डील सेट हो जाती है तो मे भी ईद के बाद में हम लेके आ जाएंगे। Z800 की डील कोई अच्छी मिल नहीं रही मुझे, नहीं
नहीं तो पहले उसी का ही है मेरे माइंड में कि जेट 800 ही लूँ मैं, बट डील प्रॉपर मिलने पे है ना करे क्या, क्योंकि गांधी जी भी तो खर्च करने पड़ेंगे। अब Z800 अगर मेरे को लेनी है तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा दिल्ली, और हार्ले डेविडसन 883 और वैनली 600 तो मेरे को जयपुर में मिल जाएगी, तो देखते हैं। 200 डांगिया पास पहुंच गए हैं, अब जो जिस जगह हम जा रहे हैं, मतलब देखो मावा चाय सब जगह की अच्छी है, पर सबसे पुरानी और सबसे बढ़िया क्वालिटी की चाय और मावा जहाँ पर आपको मिलेगा तो उस जगह चलते हैं और फिर वहाँ पे चाय के मज़े लेते हैं और आपको वो जगह भी दिखाते हैं कि डांगियाबाद में सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली चाय और मावा आपको कौन सी शॉप पे मिलेगा। फिर देखो यूँ तो दुनिया भर की है, आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, बट सबसे बेस्ट जो शॉप है वहाँ पे ही मैं आप लोगों को लेके जाऊँ। तो आप लोग भी अगर कभी इस साइड आओ डांगियाबाद साइड और चाय पीने का मन हो तो आप उसी शॉप पे जाओ। भाई मेरा पर्सनल रिव्यू है, अब देखो किसी को कहाँ की पसंद आती है किसी को कहाँ की पसंद आती है, बट मेरा इतना टाइम का जो एक्सपीरियंस है जितना है उसको उसके देख के मैंने आपको सजेस्ट किया है। बाकी ये देखो आप लोगों की इच्छा है कि आप लोगों को कहाँ पे चाय पीनी है या मावा खाना है। तो ये है महादेव मिष्ठान भंडार और यहाँ पे मिलेंगे अंकल जी। अंकल जी आया कर दो तो दोस्तों जो सबसे पुरानी शॉप है डांगियाबाद में चाय की और मावे की और सबसे बेस्ट क्वालिटी की शॉप यही है, तो आप लोग यहाँ पे आओ और चाय का और मावे का लुक उठाओ। यहाँ पे मेरा पर्सनल रिव्यू है, मुझे देखो इतना टाइम हो गया यहाँ पे आते हुए, यहाँ के अलावा मेरे को तो कहीं का अच्छा लगता नहीं है। क्या सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मतलब बेस्ट क्वालिटी है, आप लोग आओ यहाँ पे और मतलब 24 घंटे आपको ये ओपन मिलेगी। ये इनकी सेवा बहुत बढ़िया है, 24 घंटे ये शॉप आपको ओपन मिलेगी। दोस्तों मैं अपने ग्रुप के कुछ मेंबर से आप लोगों को मिलवाता हूँ, तो हमारे भविष्य भाई चंद्रवीर जी से तो आप मिल ही चुके हैं हमारे ब्लॉग के अंदर, भवानी जी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे ब्लॉग में और इनको तो आप जानते ही हो, बड़े बदमाश किस्म के इंसान है ये, बहुत ही रैंडमली अच्छी अच्छी पिक्स लेते हैं पर वो अपलोड नहीं कर सकते। और ये हमारे राहुल भाई, ये हमारे मुकेश जी, आपने देखा होगा ब्लॉग में जो अभी आज जो ब्लॉग आ रहा है हमने स्विमिंग पूल में इनके बहुत ज़्यादा मज़े लिए थे, अच्छा हुआ इन्होंने बुरा नहीं माना। और ये रहा हमारे हिमांशु भाई। तो दोस्तों ये हमारा कुछ छोटा सा ग्रुप है, मतलब मेंबर्स तो काफ़ी 100+ है बट आज कम ही लोग आए हैं, तो कभी मौका मिला तो और भी लोगों से आपको मिलवाएंगे। दोस्तों अब हम खा रहे हैं डांगियाबाद का मावा, तो कैसा लगा भवानी जी? मज़ा आ गया भैया। मज़ा आया आपको राहुल जी? मानसू जी पहली बार टेस्ट कर रहे हैं तो पहले मैं जनता स्वीट होम में खाता था। नहीं मैं यहाँ आया, डांगियाबाद का मावा है यार। दोस्तों बहुत सारी मस्ती कर ली, अब घर के लिए निकल रहे हैं, काफ़ी इन्जॉयमेंट किया आज डांगियाबाद में, अब मिलते हैं सीधा बाइक पर। दोस्तों अब निकल रहे हैं हम घर के लिए, काफ़ी मज़े किए आज, खूब इन्जॉयमेंट किया, काफ़ी हंसी मजाक की, तो वो कुछ क्लिप्स में ब्लॉग में ज़रूर शेयर कर दूंगा। और अब टाइम हो रहा है सुबह के 8, अब टाइम से फ्री हो गए क्योंकि जल्दी निकले थे घर से, 5 बजे निकल गए थे। अब देखो दिन में क्या प्लान रहता है, ग्रुप मेंबर्स कह रहे हैं कि स्विमिंग पूल चलो, अब देखते हैं क्या प्लान बनता है।
छोड़ के आता हूँ। किनको? ठीक है सर। भाई साहब ये गाड़ी खड्डा में, पता ही नहीं चला खड्डा आया कि नहीं आया। ले लो। मैं पर डोमिनार क्या मैं ढूंढ रही हूँ। ठीक है भाई। अब यहाँ से हो गए? हाँ यहाँ से सीधा निकलूँगा। ठीक है भवानी जी। ठीक है चंद्रवीर जी। वो कहाँ रुक गए दोनों जने? ओके ठीक है भाई। ठीक है चंद्रवीर जी। ठीक है भाई। तो दोस्तों सब आप अपने अपने घर जा रहे हैं और हम भी निकलते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि ये लोग सब सीधा निकलेंगे, मुझे जाना है पावटा होते हुए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, तो मत जाना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखो। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन, कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।